Hello guys, welcome to my YouTube channel. It's your Jitama 46. So guys, दो दिन से vlog नहीं बनाया था क्योंकि मैं मर के जिंदा हुआ हूँ. So guys, दो दिन से मेरी तबीयत बहुत खराब थी. Last time जब मैं दीदी विजय हम लोग मूवी देखने गए थे तब से मैं बीमार पड़ गई थी. रात को घर आके पता नहीं क्या हो गया था. आप सबको मैंने स्टोरी में डाला भी था, मैं बीमार हो गई हूँ. बहुत बुरा तरह बॉडी पूरा फीवर चढ़ गया था और एक पूरा बॉडी मेरा ना ऐसा क्या बोलते हैं सुंद पड़ गया था, जैसे कि मैं मर चुका हूँ. कोई बॉडी में हीलिंग मतलब हिलने झुलने नहीं हो रहा था. बहुत दिक्कत हो गई थी मेरे को, इसलिए मैंने दो दिन से ब्लॉग नहीं बनाया था. और आज मैं और विजय गए थे रूम देखने के लिए, घर देखने के लिए. तो क्योंकि आपको तो पता है घर क्यों चेंज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लाइट बिल बहुत हो रहा है, क्योंकि हमारा उतना कुछ है नहीं. लाइट बिल पता नहीं इतना क्यों आ रहा है, तो इसलिए वैसा कुछ नहीं है रीना जी साहब, वैसी ही बात है. अच्छे हैं हम लोग, आप लोगों को दिमाग में मत लो. और दूसरी बात, मम्मा आई हुई है आप जानते हो, तो आज मम्मा के पास गई थी, रूम वगैरह देखा. फ़ैन भी मम्मा का ख़राब था तो वो भी तूने बनाया था फ़ैन के बारे में नहीं, तो फ़ैन वो भी ठीक करके दिया है मम्मा को. फ़ैन बना के दिया ना, फ़ैन बना के दे दिया है मम्मा को. तो वही आज मेरे को थोड़ा अच्छा फील हो रहा है सच में. गोली मेडिकल से गोली लिया था, उन्होंने गोली दिया तो बॉडी पेन सर यहाँ पे दर्द हो रहा था. बहुत बुरा हालत हो गई थी मेरी, आप पूछो मत. ऐसा लग रहा है मेरे को नया ज़िंदगी मिल गई, क्योंकि क्या कर रहा है इधर से उधर सामान पटक 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 के. सो गाइस अभी घर आया हूँ, वही मम्मा के साथ बैठे थे गपशप मार के. दो तीन दिन बाद मम्मा भी जाने वाली है गाँव. हाँ और क्या बोलूँ और मैं आपको, वही हाँ हमने घर देखा था. तो मेरे दोस्त का कार्तिक का घर है, तो वो लास्ट ये मंथ तक तुम झेल लो, इधर रह लो एक मंथ, ये लास्ट एंड तक, अगले मंथ से तुम हमारे वहाँ शिफ्ट हो जाओ. बोला मैंने, बोला ठीक है. तो क्योंकि अभी यार रूम मिलना बहुत मुश्किल है, रूम मिला तो भी बहुत महंगा महंगा रूम मिल रहा है, क्योंकि 8-10 हज़ार 12 हज़ार 15 हज़ार इतना बड़ा रूम लेके क्या कर रहे हैं हम. दो मियाँ बीवी है, छोटा रूम ठीक है हम लोगों के लिए. यही सोच के छोटा रूम के बात करिए, जो आपको पहले विजय के ब्लॉग में देखा होगा रूम, वही रूम पे शिफ्ट होंगे हम अगले महीने. तो देखते हैं अब क्या होता है आगे. और गाइस सच में अभी मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, और शुगर की गोली टाइम पे खा रहा हूँ. और मैं इतना बोल सकता हूँ कि अब मैं एक तो एक मेरे को अफसोस हो चुका है, ये बियर अब मैं पीऊँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ना शुगर के थ्रू बियर बहुत अफेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा. अब मैं दो तीन दिन से मैंने कोई ला दो तीन दिन हुआ आज के तीन दिन हुआ है मैंने कोई दारू हाथ नहीं लगाई ना बियर. और मेन मुझे अभी विमल छोड़ना होगा, कोशिश करूँगी इसका एक. अब परसों मेरे को बहुत डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे मरना नहीं है अभी, अभी नहीं मरना है मुझे, अभी बहुत जीना है मेरे को. उस दिन मैं इतना रोई, रात भर रोई मैं, पता है मेरे को लगा यार आज मेरी मौत हो गई, तो कैसा होगा क्या होगा, बहुत डर लगा था उस दिन. सच बोलता हूँ हाँ मुझे कुछ हो जाए, मेरी फैमिली है मैं मानता हूँ, फिर भी एक इंसान जब अकेली रहता है रहती है कोई भी, एक साथ तो सपोर्ट चाहिए होता है किसी ना किसी का. वरना अब जैसे मैं उस दिन बीमार पड़ा, विजय मेरे साथ था, तो अब मैं एकदम मेरी दीदी बहन को फ़ोन करूँगा मैं जब अकेला रहूँगा ऐसा बीमार पड़ूंगा, तो वो लोग कहाँ से आए फोन. मैं उस दिन तो मेरे मुँह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, इतनी बुरी हालत थी ना, बहुत याद आ गई थी मेरी माँ की, मेरी बहनों की, मेरे बेटे की,
मैं बहुत डर लग गया था कि मैं मर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि बॉडी पूरा इतना पेन हो रहा था, इतना पेन, इतना सच में बहुत ज्यादा मैं डर गया था, बहुत ज्यादा डर गया था मैं इनके शेर से होगा था यार। मैं लगा आज तो मैं मर ही जाऊंगा, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बहुत ज्यादा डर गया था। किसी ना किसी के साथ का तो जरूरत होता है, लोग सोचते हैं लड़की को सिर्फ सेक्सुअली इसके लिए उसके लिए मर्द चाहिए होगा, ऐसा नहीं होता है। अकेले रहते हैं, कभी कुछ बीमार पड़ जाओ, दिक्कत हो जाए, कोई ना किसी का साथ चाहिए होता है। अकेले ज़िंदगी हर एक काट सकता है, मगर बीमार रहने पे किसी का साथ ज़रूर होता है, और फैमिली साथ होती तो दिक्कत नहीं है। अब मेरी फैमिली में दी वो लोग MG में रहते हैं, तो उनका भी वहाँ पे घर रूम रेंट पे है, वहाँ पे भी टाइम टेबल होता है, वो लोग भी ड्यूटी पे होते हैं, काम पे होते हैं, कभी अचानक नहीं आ पाए तो ये भी तो होता है ना। तो हर औरत हर मर्द को लड़का लड़की साथ में सिर्फ सेक्सुअली की जरूरत नहीं होती, सब सेम नहीं होते, सब में फर्क होता है। जब से स्टार्टिंग जब से तो मेरे को जब से मैंने शुगर की गोली स्टार्ट की है, तब से मेरे को अच्छा फील नहीं होता है, क्योंकि बाल बाल का झड़ना, गुस्से आने पे पसीना इतना छूटना, कभी खाना नहीं खाओ तो चक्कर आना, टाइम से गोली नहीं खाओ तो हाथ पैर कांपना, ऐसे होता है गाइस। ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि आप सोचते हो, ऐसा मत सोचिए किसी के बारे में भी, मैं यही बोलूँगा। नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मैं थोड़ा इमोशनल हो गई, क्योंकि मौत को जब हम सामने देखते हैं ना, तभी पता चलता है ना। तो यही है गाइस, और अब मैं कंटिन्यू व्लॉग बनाऊंगी, कंटिन्यू प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। देखिए 0196 वाले में भी, 0146 वाले में, और विजय छेत्री 23 वाले में भी आप लोगों का सपोर्ट है गाइस। आप लोग प्यार ऐसे ही करते रहोगे तो हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। बस इतना ही है, आप लोगों से प्यार चाहिए और कुछ नहीं। और आज मैं 0196 वाले में लाइव आऊँगी यूट्यूब, ज़रूर आना और ज़रूर सपोर्ट करना, देखना। ओके देन बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग प्लीज, जस्ट लेट सम बाय गाइस, स्टे ट्यून, गुड नाइट।